नमस्कार दोस्तों, मैं रोहनीश आपका स्वागत करता हूं रोहनीश ब्लॉग्स में। अपनी ऑल इंडिया राइड जिसका कि लक्ष्य है आपको भारत के लगभग सारे शहरों में बाइक राइड करके घुमाना। और अभी मैं हूं झांसी में। ये अपना ऑल इंडिया राइड का 44th सिटी है झांसी। आज हम करेंगे रेलवे स्टेशन से झांसी किले तक का सफ़र, जो कि भैया 10 मिनट का रास्ता है, और हम कवर करेंगे और आपको घुमाएंगे पूरा झांसी। पिछली वीडियो में मैं खुजराहो से झांसी आया था, पिछली रात मैंने गुजारी इसी रेलवे स्टेशन पे और एक नया एक्सपीरियंस किया। यहाँ का दिन मुझे, रात मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इतना अच्छा व्यू था और सर पे मेरे लहरा रहा था अपना तिरंगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं चेक की तो चेक करना ज़रूर, लास्ट व्लॉग। रेलवे स्टेशन है ये झांसी का, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपनी आज की झांसी की राइड। यहाँ पे मैं छोटी सी क्लिप लगा दूंगा यस्टरडे की, कल रात की। भाई साहब क्या व्यू था यार, मतलब इतना अच्छा व्यू था ना, झंडा ऐसे लहरा रहा था अपना तिरंगा, मन खुश हो गया। कितनी देर तो मैं उसको देखता ही रहा भाई। आप पिछली वीडियो जरूर देखना मेरी, खुजराहो टू झांसी। तो ये हमारी राइड। ये क्या आ गया भाई, स्टैंड खुला था भाई इशारा कर रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। चलो ये शुरू करते हैं, यहाँ 3.5 किलोमीटर है और ये कुछ प्लांटेशन है, क्या है भाई समझ में नहीं आया मेरे को, लेकिन अच्छा है। ये बता रहे थे डांडी चौक, नहीं तो मैं तो गांधी चौक ही बोलता, क्योंकि जहां महात्मा गांधी हो उसको गांधी चौक ही बोलते हैं सब। तो ये है जी स्टेशन रोड। तो यहां से हम धीरे धीरे चलेंगे। सुबह का समय है 6:30-7 बजे का और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है झांसी की। और मुझे ये क्या बना था, रेलवे इंजन पार्क होगा कोई ये, और बहुत ही सुंदर खुशबू के साथ। और मुझे बड़ा आनंद फील हो रहा है कि मैं झांसी में राइड कर रहा हूँ भाई साहब। तो ये कोई रेलवे से जुड़ा हुआ कंपाउंड है, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, पुराना भी है, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, इसको तो चेक करते रहना पड़ता है, नहीं तो सारी मेहनत ऐसे ही गायब हो जाती है भाई। तो अभी तक की जो मुझे रोड्स मिली ना, काफ़ी अच्छी रोड्स मिली झांसी की, और भाई आनंद आ गया झांसी में राइड करके। कल रात भी मैं सारे रात जब एंटर किया तो काफ़ी शहर के अंदर से राइड करके आया स्टेशन तक। अभी कैमरा लेना मस्ट हो गया भाई, जो रात को भी अच्छी वीडियो बना सके। लेते हैं, अभी खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि रात को मैं क्लिप बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड कर पाता यार, कैमरा ही इतना गंदा है मेरा, तो फिर भी बहुत साथ दे रहा है मेरा, और पूरा मान गया कहीं बंद ना हो जाए बीच में तो भाइयों हमें गूगल जी कह रहे हैं सीधा चलो। तो ये स्टेशन रोड ही जाएगी जी भाई साहब सीधी, आगे एक चौक आएगा, चौक तक सीधी जाएगी ये, यहाँ से लेंगे हम राइट। ये भी कोई स्टैचू बना हुआ है, और हर जगह वही बने हुए हैं तकरीबन, रानी झांसी, लक्ष्मी क्या था यार नाम ही भूल गया मैं, वीरांगना लक्ष्मी बाई, हर जगह उन्हीं के स्टैचू लगभग बने हुए हैं, और घोड़े की दो टांगे ऊपर, बड़ा जबरदस्त व्यू है भाई। तो अभी मार्केट तो खुली नहीं है, जब कैमरा से तिरछा होना समझ आया करो, मैं चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है तो मार्केट काफ़ी अच्छी है भाई, रात को भी मैं जब आ रहा था ना तो बहुत ही भीड़ भड़का, पूरा जबरदस्त मार्केट है यहाँ की, पॉपुलेशन भी काफ़ी होगी यहाँ की। पेट्रोल पंप, पेट्रोल तो अपना है अभी, अपनी गाड़ी की एवरेज बहुत है भाई, पेट्रोल एक बार डलवा लो बस, फिर 400-500 किलोमीटर देखने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये आ गए जी हम मेन रोड पे, ये पता नहीं किधर को जाती है, ग्वालियर वाली रोड है मेरा ख्याल। ये कोई कॉलेज है, मतलब रोड्स काफ़ी चौड़ी हैं यार। बहुत अच्छा लगा मुझे बाइक चला के, आनंद आ गया पूरा। अभी उधर भी जाएंगे जो मार्केट होगी ना पुरानी पुरानी झांसी, वहाँ पर तो पूरा गलियां मोहल्ले होंगे, उधर से भी निकलेंगे झांसी नगर निगम। तो हम राइट को नहीं जाएंगे, हम लेफ्ट से जाएंगे क्योंकि राइट को फिर पास पड़ेगा। तो हम थोड़ा घूम के जाएंगे आगे वाले चौक से राइट हो जाएंगे, फिर तो आपको मार्केट और शहर दिखा पाऊंगा। झांसी स्मार्ट सिटी, झांसी नगर निगम, झांसी की सुबह। दोस्तों ये अपना ऑल इंडिया राइड का 44th सिटी है, अगर मैं बताना भूल गया तो 44th सिटी है ये झांसी। अब इसके बाद चलेंगे हम ग्वालियर। अभी तो झांसी काफ़ी बड़ा है यार, मेरे को लगता है नाइट स्टे करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसे एक शहर में एक रात गुजारूंगा तो मेरी तो उम्र निकल जाएगी इंडिया को कवर करते करते। भाई इतना बड़ा अपना भारत, इतने सारे शहर, एक एक रात निकालूंगा तो एक साल में 365 शहर ही कर पाऊंगा। लक्ष्य बहुत बड़ा विराट ले लिया है हमने, प्रभु हमारा साथ देंगे, दे ही रहे हैं, आप भी दे रहे हो साथ। तो कोई टारगेट फिक्स करना पड़ेगा ना, या तो एक दिन में 2 शहर या एक दिन में 3 शहर। क्योंकि अब जो देखो झांसी कितना हिस्टोरिकल, ओ वाओ वाओ, ये कह रहा था मैं, गोल्डन सोने की लग रहा स्टैचू, ओ हो क्या बात है भाई, क्या सुंदर चमक रही थी ना सोने जैसी स्टैचू। अब इतना हिस्टोरिकल सिटी है, अब यहाँ से मैं 2 मिनट में निकल जाऊँ तो फिर ऐसे तो ऑल इंडिया हम एक दिन में ही कर लेंगे या हफ्ते में कर लेंगे। देखो कितना सुंदर पार्क है भाई, पूरे एक एक चीज ऐसे सजाई हुई है जैसे कहीं G20 वाला तो नहीं ये भी एरिया। ये G20 की भी तैयारियां चल रही है ना भाई साहब, देखो कितना बड़ा बड़ा जबरदस्त पार्क है यार। वो आ गया सामने किला, वाह भाई पहुंच भी गए, लो कर लो बात। तो किले के अंदर चलेंगे, आपको किला घुमाएंगे पहले बाहर से फिर अंदर से। तो काफ़ी यहाँ पे पार्क वगैरह बने हुए हैं, कुछ मॉन्यूमेंट टाइप भी बने हुए हैं, ये स्टेडियम टाइप लग रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इधर भी पार्क है, बढ़िया है पार्क, अच्छा रहता। नहीं तो बिल्डिंग ही बन जानी थी यहाँ पे, घर ही बना देने थे, किले की व्यू भी ब्यूटी भी ख़त्म कर देते सारा किले का व्यू, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के। अभी सुबह का टाइम है ना तो लाइट बंद नहीं हुई, अभी बंद होगी, अंदर भी जल रही है पार्क की भी। देखो कितनी अर्ली मैं निकला हूँ सुबह, और इसलिए मैं स्टेशन पे सो गया था, अगर मैं होटल में सोता ना रूम लेके तो फिर मैं 10-11 बजे तक तो उठता ही नहीं भाई। वाह जी वाह, ये है जी झांसी का किला, वाह कितना खूबसूरत। अभी अंदर देखो क्या मिलता है देखने को, कैसे बनाते होंगे ना भाई साहब। अभी तो ये सड़क के कारण सड़क ऊंची होगी, नहीं तो यहाँ पहले खाई होगी पूरी। एंट्रेंस आगे से है, यहाँ से है एंट्रेंस। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी छोटी सी राइड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। रोहनीश ब्लॉग्स, देखते रहो घूमते रहो, बाय बाय।